कितने दिनों से आप कर रहे हैं बाबा ये? पिछले 26 वर्षों से मैं लगातार माँ की चरणों में आ रहा हूँ। मैं ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, माँ के चरणों में इस हवा के द्वारा सोए हुए रहते हैं। सारा प्रेरणा माँ के चरणों से मिला। जो भक्त माँ के जानते हैं उसी भक्त को माँ भी जानते हैं। भक्त के ही नाम से भगवान की जाना जाता। कितने दिनों से आप कर रहे हैं बाबा ये? पिछले 26 वर्षों से मैं लगातार माँ के चरणों में आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है धर्म की अधर्म की सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण। मैं देश को कल्याण एक ही काम करता हूँ। सर, आप बाबा, आपके मन में एक ऐसी भावना है कि आपको गलत लेके बैठना है, क्या माँ ने आपको सपना दिया था? या कई बार होता है कि मनोकामना होती, क्या सोच के आपने 21 का लक्ष्य पाया? मैं माँ के सेवा हूँ, माँ के चरणों से मिला ये भक्त के नाम से भगवान की जाना जाता है। माँ सबके पीठ है, वहाँ भक्त ही उजागर किया। मैं भी माँ के चरणों के भक्त हूँ, माँ को उजागर कर रहे हैं। यानी आपको माँ से ही प्रेरणा मिली और फिर आपने मन में बनाया? सारा ये प्रेरणा माँ से ही मिली है। अब 9 दिन मैं सोए हुए रहता हूँ, भूखे प्यासे निष्क्रिया कर्म के बल से मैं कैसे रह जाता हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं है। लोग भूखे में सोता नहीं है, हम नौलखा दुर्गा मंदिर बहुत चर्चित मंदिर है, मनोकामना मंदिर के नाम से जानी जाती है। बिहार के भक्तगण यहाँ आते हैं, अंधीना भी आते हैं, पूजा में तो आते ही है, ऐसे भी अपने परिवार के साथ आते हैं, मन्नतें मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। बाबा इस प्रांगण में 26 वर्षों से लगातार अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश लेकर स्थापित करते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है, माता की आराधना से ही एक कलश पार घाट लगता है, और नहीं तो इसका वजन 40 से 50 केजी है, संभव नहीं है। हम लोग माता का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और बिहार के कोने कोने से जो भी भक्त आते हैं उनको हर व्यवस्था हम करते हैं, खाने पीने रहने का भी व्यवस्था करते हैं। और प्रथम दिन से ही भीड़ बढ़ गई है, प्रसाद का वितरण हम लोग प्रथम दिन से ही करते हैं और 10वीं तक प्रसाद चलते रहता है। अब कोरोना काल खत्म हो गया है तो अब लगता है भीड़ ज्यादा होगी मंदिर में, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने की है? देखिए, माता के आशीर्वाद से हम लोग व्यवस्था तो अपने रखते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। माँ बहनों को प्रेम से आती है मंदिर में, घर की तरह और घर पर की तरह पूजा पाठ करके वो जाती है। हम लोग निगरानी में लगे हुए रहते हैं कि कहीं भक्त को दिक्कत नहीं। शरीर पे बाबा ने कलश स्थापना की, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, माता की आराधना से जब तक माता नहीं चाहती, माता प्रेरणा नहीं देती, 26 वर्षों से इस प्रकार कलश लेकर स्थापित नहीं करते। एक दिन में अन्न जल त्याग करने पर हम लोगों की दिक्कत होती है, लेकिन बाबा 9 दिनों तक नित्य क्रिया से वंचित होकर अन्न जल त्याग कर अपने सीने पर कलश रखे हुए रहते हैं। ये माता का ही आशीर्वाद है, कोई इनको डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती।